Today we will discuss the assertion reason, right? And from the first chapter I am going to discuss, right? Halaki hume revision test chalo pai nahi. I am going to discuss the assertion reason from the first chapter. I am giving you the assertion and reason. No need to write, just try to understand the concept. ठीक है, clarity है, then give the answer. If anything is not clear, then ask. Right? First assertion is. अच्छा ऑप्शंस क्लियर है ना, पहली ऐसा ऑप्शन होती है बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सेकंड इज बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. थर्ड ए इज ट्रू आर इज फॉल्स और आर ए इज फॉल्स आर इज ट्रू. ये जरूर चेक कर लेना. इन एग्जाम ये दो में कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन प्लीज पढ़ ले. ठीक है, वट एवर दे हैड गिवन इन दैट. ओके, फर्स्ट असर्शन, combustion reactions are also called exothermic oxidation reaction. Combustion reaction is also, ये करवाऊं कि acid base की करवाऊं या metals की? acid base की करा दो. Assertion is metals are sonorous. रीजन दे आर जनरली, बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द नेट ऑल्सो बुक्स ऑल्सो, सो ट्राई टू सॉल्व इट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. मेटल्स आर सोनोरस, रीजन दे आर जनरली ब्रिटल इन द सॉलिड स्टेट, दे ब्रेक इन टू पीसेज वेन हैमर्ड. हमने कहा मेटल्स आर सोनोरस, ये तो बिल्कुल सही है, असर्शन इज करेक्ट. दे आर जनरली ब्रिटल इन द सॉलिड स्टेट, दे ब्रेक इन टू पीसेज व्हेन हैमर्ड. दे आर ब्रिटल, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नो मैम, मैलेबल, मैलेबल और डक्टिलिटी. ठीक है, दैट मींस असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस. ट्रू, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस. स्टेटमेंट दूसरी यानी कि रीजन है, नॉन मेटल्स पोजेस लस्टर एंड मैलेबल एंड डक्टाइल. Assertion है metals lose electron to form positive ion, बिल्कुल true है. Reason है non metals possess luster and luster are malleable and ductile. A is true, R is false. अच्छा कल जो assignment I gave उसमें एक question mostly आप गलत कर रहे थे. MCQ था, which one of the following acidic oxide. वहां पे ऑल ऑफ यू आर डूइंग Al2O3. एल्यूमिनियम इज द मेटल एंड आई टोल्ड यू BMO. मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो यानी कि नॉन मेटालिक आर एसिडिक इन नेचर. और नॉन मेटल है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ठीक है, और वो फिर कल बाहर आए. ठीक है, दीज आर द नॉन मेटल्स. तो ये वाला ऑप्शन आप कल गलत कर रहे हो सारे. ओके, नेक्स्ट है उसका कार्बन डाइऑक्साइड था ना आंसर. हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने सब पे करेक्ट कर दिया था वैसे तो. वो फर्स्ट से सबके गलत हो गए क्योंकि सबने कॉपी पेस्ट किया. नहीं, बहुत हद तक बच्चों ने ठीक भी किया हुआ था, बट स्टिल थी उसमें गलती. मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर. दिस इज असर्शन. मेटल्स like sodium, potassium and calcium, magnesium, they are never found in the free state of nature. And reason is metals are very reactive elements, so it combines with other non-metals to form completed solids. A option. Kaise? Kaise? देखो हम बात कर रहे हैं कि दे आर नो डाउट, हमने कहा मेटल्स लाइक दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर. तो क्या हमें ये फ्री स्टेट में मिलते हैं?
तो रीजन वो कह रहा है कि मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, सो इट कंबाइंस विद द अदर नॉन मेटल्स टू फॉर्म कंप्लीटेड सॉकेट. विच ऑप्शन विल कम? ए तो होने से रही, उसका रीजन थोड़े ना दे रहे हैं. ये कह रहे हैं कि मेटल्स आर रिएक्टिव एलिमेंट, सो इट कंबाइंस विद द नॉन मेटल्स टू कंप्लीट इट्स सॉकेट. स्टॉप. विच ऑप्शन? ए इज ट्रू, बी इज नहीं. बोथ ए एंड ट्रू आर असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. But still, हम reactivity series में these are highly reactive, so we can consider. मैम रीजन एक बार रिपीट करना क्या था? एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ये वाला मैं दोबारा देख करती हूँ, वो नीचे हो गया. एक सेकेंड. Hydrogen gas is not evolved when the metal reacts with nitric acid. True. प्रॉपर्टीज में हमने ये डिस्कस किया था, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. क्यों नहीं करता? वो वाटर बना देता. क्या है? वाटर बना देता है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट फॉर्म्स वाटर एंड नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड है इट विल फॉर्म. ठीक है, दैट्स व्हाई ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता. कौन से दो मेटल्स करे थे जहां से नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. मैं तभी कह रही हूँ कॉपीज छोड़ दो, सुनो, क्योंकि लिखा आपने हुआ है, जस्ट ट्राई कि वो रिकॉल कर लो अपने माइंड में. वो मैं मिस हो गया बीच में, कहाँ गया? आई विल टेल. नाइट्रिक एसिड क्वेश्चन था, असर्शन था, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. ट्रू है, रीजन दे रहा है, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. A option. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of the assertion. Second है, highly reactive metals are obtained by electrolytic reduction. Highly reactive metals are obtained by electrolytic reduction. Reason दे रहा है वो उसका, in the electrolytic reduction, metal is deposited at the cathode. Assertion थी हुआ कि नहीं है, पहले ये सोचो. Assertion थी, highly reactive metals are obtained. Highly reactive metals को हम obtain करते हैं by electrolytic reduction. Naturally आपने sodium की करी थी, aluminium करी थी, these are done by the electrolysis. This is true. Reason कह रहा है, electrolytic reduction, metal is deposited at cathode. Metal, positive, कहाँ जाएगा? Negative पे. True है. ये भी statement true है. बट उसको तोड़ के कर लो. But I am saying कि metal is deposited at the cathode. Metal is what? Positive. कहाँ जाएगा? Negative. That means okay. Both अब ऊपर assertion कह रहे थे कि electrolytic reduction होती है. वहां करते हैं. Reason कह रहे हैं कि वो उसके ऊपर चढ़ जाता है. दोनों ठीक है, लेकिन वो उसकी explanation नहीं है. So option is B. समझ आए बेटे? ठीक है. आगे बच्चे doubt तो नहीं किसी को? No ma'am. Bronze is an alloy of copper and tin. ये छोटा सा पैरा गिवन है. Bronze is an alloy of copper and tin. All alloys are heterogeneous mixture of metals with other metals and non-metals. Alloys are mixture of metals with other metals or with non-metals. ये लाइन तो ठीक है. पहली लाइन है bronze is an alloy of copper and tin. ये आपको याद, चलो ये ट्रू नहीं है. यहाँ पे असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. लीव इट. अलॉयज वाले है नहीं आपको वैसे, टिन और अमलगम. अमलगम नहीं, और भी है इसमें. अलॉयज नहीं है आपको. जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर. जिंक ऑक्साइड ट्रू. और कौन सा एम्फोटेरिक? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. रीजन दे रहा है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस. विच ऑप्शन? ए ऑप्शन. बिकॉज जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है. एम्फोटेरिक मीन्स बोथ रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस. वही उसने रीजन कहा,
So both are correct, and that is the correct explanation of assertion. Magnesium chloride is an ionic compound. Magnesium chloride is an ionic compound. Mg, two electrons dega, Cl, two electrons lega, tabhi MgCl. Reason hai, metals and non-metals react by mutual transfer of electrons. Metals and non-metals react by mutual transfer of electrons. Agar Mg apne do electron de raha hai, chlorine le raha hai, to aapas ki understanding hai? ठीक है, पहले हमने कहा कि वो आयनिक है, बिल्कुल सही. फिर हम कह रहे हैं कि वो म्यूचुअल ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ओके. असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर. ये कहता है कि जिंक इसको डिस्प्लेस करता है ना, वो कह रहा है कि ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है. अगर वो इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये असर्शन है आपके पास. रीजन है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक. क्या है रिएक्टिविटी? फॉल्स. आर इज फॉल्स. ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, आर इज फॉल्स. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर सल्फेट, नेचुरली जिंक ऊपर आ गया. और हमारे पास है कॉपर इज मोर रिएक्टिव. रीजन वो कह रहा है कॉपर इज, हां मैंने कहा जिंक आ गया तो कॉपर नीचे ही है ना, तो आई हैड नॉट रिटन. तो जिंक आ गया तो मैंने इसे छोड़ दिया कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, दैट्स व्हाई इट कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. रीजन वो कह रहा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव, यानी कि ऑप्शन सी, ए इज ट्रू, आर इज फोर्थ है ये आपको है ना, जिंक कार्बोनेट वाला. चलो ये पूरा टॉपिक नहीं है, बट स्टिल जिंक बिकम्स डल इन मॉइस्ट एयर. ये आपको पता हो तो हम बात करते हैं कि कॉपर, आयरन, ये जिंक, ये जो है बाहर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके इनकी अपीयरेंस, इनके ऊपर डल अपीयरेंस आ जाती है ना, ऑक्साइड लेयर बनती है. रीजन दिया है, जिंक इज कोटेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ इट्स बेसिक कार्बोनेट इन मॉइस्चर. ये भी ट्रू ना करो, लेकिन पता हो कि जो जिंक है, जैसे मैग्नीशियम है उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है, सिल्वर कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड लेयर बनती है. कॉपर के बर्तन देखें, कॉपर के कॉइन्स देखें, उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है. जो हमारे घर पहले इन्वर्टर की बैटरीज होती थी वहां पे भी ग्रीन कोटिंग लगी होती थी कॉपर पे, अब नहीं है वो इन्वर्टर्स. पहले जो इन्वर्टर्स थे ना उनके जो कॉइन्स थे वो कॉपर होता था, बाद ग्रीन कोटिंग आ जाती थी. तो जो कॉपर है बाहर में मॉइस्ट एयर में ना, कॉपर सिल्वर ये जिंक, इनके ऊपर कार्बोनेट की कोटिंग चढ़ती है. वो इसीलिए जो बाहर मॉइस्चर है वो रिएक्ट करके उसके ऊपर गर्म पानी, वो दैट इज द कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड लेयर. सिल्वर के ऊपर भी ऐसे काले पड़ जाते हैं सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, ठीक है, कॉपर पे भी, जिंक पे भी, ठीक है. तो दैट इज ड्यू टू द कार्बोनेट लेयर. अगला क्वेश्चन सुनिए. कोवलेंट आपने करा नहीं, रहने दो. एनोडाइजिंग ये भी अभी रहने दो. द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सोडियम. ओके, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, सोडियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है, वो कम रिएक्टिव. The heat evolved is not sufficient for the production of hydrogen gas. मैंने क्या बोला है? The reaction of calcium with water, that is less reactive as compared to sodium. ठीक है? Reason उसका क्या दे रहे हैं? क्यों वो less reactive है? क्यों वो less reactive है? Because उसमें क्या है? That is the heat is not sufficient to evolve hydrogen gas. यही reason बताया था? नहीं यार. मैंने बोला था कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, इट विल नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस. क्या व्हाई कैल्शियम फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर क्यों करता है? क्योंकि दैट इट्स नॉट द हीट इज नॉट सफिशिएंट टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस. वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैल्शियम लेस रिएक्टिव है सोडियम से. ये बात हो गई ओके. क्यों है?
क्योंकि वहां से हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज, सफिशियंट हाइड्रोजन हीट इज नॉट गिवन टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस. अगर यही क्वेश्चन घूम के आ जाए कि वाई कैल्शियम फ्लोट उसका फ्लोटिंग के पर्पज में आ रहा है, तो भी यही है, हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द कैल्शियम एंड इट लाइक फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर. या विच गैस स्टिक टू द कैल्शियम, हाइड्रोजन, है ना. सो मतलब क्वेश्चन जैसे मर्जी थे टॉपिक वो ही है. कार्बन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट HCl एंड डिल्यूट H2SO4. हमने केमिकल रिएक्शंस करी थी नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो है. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वॉटर. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है. अब उसने कहा कार्बन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट HCl एंड डिल्यूट H2SO4. ओके, नॉन मेटल है ना कार्बन और नाइट्रोजन, रिएक्शन है ही नहीं एसिड के साथ, ठीक है, नहीं है, ठीक है. यानी कि ये ट्रू है. रीजन क्या है, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड्स, नहीं सॉरी, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट HCl एंड डिल्यूट H2SO4. ये फॉल्स है, क्योंकि मेटल्स रिएक्शन शो करते हैं. यानी कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन, ठीक है. कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर डिस्प्लेस करता है, ठीक है, ये करता है वो फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को करता है. कॉपर यहां आ जाता है, कॉपर के नीचे सिल्वर आता है, ठीक है, दैट मींस कॉपर इज अ हाईली रिएक्टिव. देन रीजन दे रहा है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, बोथ आर करेक्ट एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, फॉल्स. कैसे मैम, वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं एल्यूमिन, वेरी नाइस, क्योंकि मेटल्स हैं, मेटल्स की नेचर क्या है, बेसिक, BMO, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो मेटालिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और जिंक क्या है, मेटल, तो दीज आर बेसिक इन नेचर, अगर हम एक रूल के अकॉर्डिंग देखें. रीजन कह रहा है एम्फोटेरिक नेचर मींस दैट सब्सटेंस हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर. तो विच ऑप्शन, बी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है, नहीं इसमें तो ऑप्शन है डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. असर्शन क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम दो ही मेटल बोल रहे, नो डाउट मेटल्स हम बात कर रहे हैं कि दीज आर बेसिक इन नेचर, बट हियर दे आर गिविंग टू मेटल्स, दीज आर स्पेसिफिक मेटल्स, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, दे हैव गिवन. अगर कोई दो रैंडम मेटल उठा लेते तब हमारा आंसर होता कि असर्शन इज लाइक ट्रू. यहाँ पे असर्शन हमारी क्या है, दैट इज फॉल्स, बिकॉज एल्यूमिनियम एंड जिंक के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर, नॉट एसिडिक, नॉट बेसिक, बट वी विल से बोथ, ठीक है. आपको रीजन दे रहा है, क्या रीजन दिया उसने, एम्फोटेरिक नेचर मीन सब्सटेंस हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर, ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वॉटर एंड डिल्यूट एसिड, सबकी अलग अलग है, यही हमने करा. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, बोथ आर करेक्ट. रिएक्टिविटी डिपेंड कर अलग अलग है मेटल्स की विद वॉटर और एसिड किसी के साथ, क्यों वेरी कर रही है, दैट डिपेंड अपॉन इट्स पोजिशन इन द पीरियोडिक रिएक्टिविटी सीरीज, तो बोथ आर करेक्ट. Iron is most widely used metal, but it is used never used in pure state. Iron is most widely used metal, but it is not used in pure state. Reason, pure iron is very soft and stretches easily when hot. Both are correct. That is the correct explanation. समझ आया? नहीं आया. Iron जो reason थोड़ी होगा ये. हाँ जी बेटे. रीजन तो ये होगा कि रिएक्टिव और उसका कि प्योर मेटल में नहीं है,
मिक्स करते हैं. आपको इफ यू रिमेम्बर तो वी यूज टू डू कि हमने अगर किसी चीज को मींस ऐड कर देते हैं, जैसे हम गोल्ड की बात भी करें तो प्योर जो है 24 कैरेट का दैट इज वेरी सॉफ्ट, मिक्स करते हैं टू मेक द ऑर्नामेंट्स. सिमिलरली ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वी आर एडिंग समथिंग. ठीक है. गोल्ड अकर्स इन नेटिव स्टेट. नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट. रीजन गोल्ड इज अ रिएक्टिव मेटल. ये तो फ्री स्टेट में है. रिट्रीवर असर्शन ट्रू है. रीजन फॉल्स. तो कौन सी ऑप्शन है? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. नेटिव जो हमें नेचर में एज इट इज मिल सकता है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमें वो कंपाउंड फॉर्म में मिले. जैसे जितने लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दे कैन अकर इन नेटिव स्टेट. नेटिव मतलब फ्री. अर्थ क्रस्ट में से हमें ऐसे भी मिल जाते हैं. लेकिन जो कैल्शियम या ये मैग्नीशियम या सोडियम है दे विल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी. वो किसी के साथ जुड़ के मिलते. द प्रॉपर्टी ऑफ बीटिंग द मेटल इन टू थिन शीट्स. ये आप आंसर दोगे मुझे. एक मिनट. बीटिंग ऑफ अ मेटल इन टू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. डक्टिलिटी. रीजन गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल. रीजन ट्रू है. असर्शन डी ऑप्शन. ठीक है. रीजन है गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल. हाँ बट मैलेबल तो है ही है ना. ठीक है. तो हमने उसका साथ में देखा कि वो ट्रू है. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर. करते हैं. हमने गोल्ड के सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहने गर्म हो जाए तो हमें कुछ होता है? नो. यानी कि सही बात है. रीजन है सिल्वर एंड गोल्ड आर लेस रिएक्टिव मैटर. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. The oxides of sulfur and phosphorus. पहले sulfur और phosphorus है क्या? Metal के non-metal? Non-metal. Are acidic in nature. सही है? Then metal oxides are basic in nature. Contribute बोलो. Sulfur and phosphorus are ऑक्साइड एंड सॉरी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस आर एसिडिक इन नेचर. ये ट्रू है. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. PMO. हाँ वो दोनों ही ट्रू है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. पी ऑप्शन. मैग्नीशियम. अब ये ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. क्यों? What is magnesium oxide? Which bond is present in magnesium oxide? हमने कल बनाया है अभी. Ionic bond. Ionic bonds की मैंने example क्या कहा था learn करने के लिए? Salt. Salt क्या है? Solid. तो क्या magnesium oxide is in the liquid state? No. Reason दे रहा है वो उसका. Electrostatic force of attraction between magnesium and oxide ion constitute ionic bond. ये true है. ऊपर वाली फॉल्स. समझ आ गया? देखो आयनिक बॉन्ड में से भी क्वेश्चन कैसे आए. आपको सिर्फ मैंने एक एग्जांपल याद रखने को कहा है. सोडियम क्लोराइड नमक, राइट? उससे यू कैन कोरिलेट द प्रॉपर्टीज. तो आप इजीली कर सकते. इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज प्लस वन. इलेक्ट्रोवैलेंसी. वैलेंसी मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑफ सोडियम इज प्लस वन. ओके. Reason, number of electrons which an atom either loses or gains in the formation of an ionic bond is known as its valency. Both are true. जब हम reason कह रहे हैं number of electrons which an atom either lose or gain in the formation of ionic bond is known as its valency. Arrangement of the metal in order of decreasing reactivity is called reactivity series. Reason. Metals at the top of the series are very reactive and metal at the bottoms are
वेरी लेस रिएक्टिव. अब ये कौन सा है, ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है? बी है बच्चे. वो रिएक्ट ए कैसे हुई अमृत, वो देखो आप खुद देखो, वो कह रहे हैं कि अरेंजमेंट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे डिपेंड है. ये तो बात हो गई, तो उसने ये रीजन थोड़े ना दिया कि वो हाईली रिएक्टिव मतलब दे कैन विग्रेसली रिएक्ट. वो तो कह रहा है ऊपर वाले ऐसे हैं नीचे वाले लेस हैं. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ओके कुछ आए नहीं, मैंने तो कुछ आए नहीं इस क्वेश्चन में मैम, मैंने बोला था. और कोई बात नहीं, किसने बोला था? ओके इट्स ओके. ओके सॉरी अमृत, आई फाइंड कोई बात नहीं.